यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। पिछला है लगी लाला है। अभी मैंने देखा सवाल में पहले हमको ऐसे दिया रहता था कि sin a बराबर 15/8 या 3/4 या 2/2 है दिया है। 15 cot a बराबर 8। अभी जैसा था वैसा नहीं दिख रहा ना, अब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। लाओ चाकू को काटते हैं। तो cot a बराबर, आप जानते हो जो संख्या गुणे में होती है कहाँ जाती है? तो 8/15। अब ना दिख रहा उस तरह जैसा हमारा सवाल था, दिख रहा ना? अब cot a बराबर क्या होता है? cot a बराबर क्या होता है बताएं जल्दी से। आधार बटे लंब। भैया tan बराबर था लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा भाई ये cot, तो आधार बटे लंब। आधार बटे पहले इसको लिख देते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो आधार बटे लंब बराबर 8/15 बराबर के, यानी आधार बराबर 8 के और लंब बराबर बेटा 15 के। हम चित्र बना दे थोड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा इससे कहानी तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ए बी सी, तो आधार बताएं जल्दी से क्या है यहाँ पे? 8 बी सी है, 8 की ये तो आधार को बी सी, और लंब कितना बेटा आपका ए बी 15 के 15 ये लंब हमारा बेटा ए बी। किसी बच्चे को दिक्कत है? और कर्ण ए सी हमें क्या करना बेटा? निकालना है। पहले तीसरी भुजा निकालेंगे तो मान निकालेंगे। और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दी हो तीसरी भुजा के लिए क्या करते निकालने के लिए? पाइथागोरस लगाते हैं। और पाइथागोरस भैया ने क्या कहा है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर सुने, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कहा हुआ बेटा? नहीं समझ में आ रहा? चेहरा तो इसे बनाए, आ जाओ। अभी तक नहीं प्रतिका आठ पाठ, अरे पहले तब तो आना चाहिए ना। आज पहला दिन है, कहाँ थे अभी तक? कहाँ थे अभी तक? अरे कहीं ना कहीं तो रास्ता तुम्हें जगह नहीं मिला अभी तक। आते बच्चों, कौन बच्चे बोला था? कोई नहीं आया। देखे ना, मैं यही बोल रहा था ना, तुम लोग बोल रहे थे सर कोई नहीं आएगा। गांव में नया रहने से थोड़ी समस्या है कि लड़के दिसंबर तक आते हैं। दिसंबर में आएंगे तो 2 महीने वाले। आप ही उम्मीद करोगे यार कि नंबर ज्यादा बने, जितना हमें टाइम दो उतना रिजल्ट बनेगा। तो भैया हम निकाले कर्ण, निकालेंगे एसी। क्या निकालेंगे हम लोग? एसी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोला तो मानसी। अब देख, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है? एसी। तो एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग। कोई दिक्कत बेटा? है कोई दिक्कत? तो भैया देखो, एसी कितना पता नहीं है, ये भी कितना है? 15 के का होल स्क्वायर प्लस बीसी कितना बेटा? 8 के का होल स्क्वायर। 15 × 15 = 225 के का स्क्वायर, 64 के का स्क्वायर। आज 64 × 25 हो गए 89, यानी 289 के स्क्वायर बेटा ए सी स्क्वायर बराबर। तो जब निकालोगे ए सी बराबर तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट
289 के स्क्वायर। अब 17 का वर्गमूल है 289 किसका बेटा? 17 का है, 20 तक याद रहना चाहिए, तो 17 के आ गया हमारा एसी बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब का निकालना था आपको, साइन निकालना है ना। सूत्र क्या कहता है साइन बराबर लंबट का लंबटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अभी कर्ण निकाल दी बेटा 17 के, तो लंब कितना बेटा 15 के, आपका ये कितना है 17 के, कैसे के कट गए 15/17 क्या निकल आया साइन ए निकल आया ना बेटा। अब क्या निकालना सेक, तो भैया कॉस को उल्टा कौन है सेक है ना बेटा, कॉस हमारा क्या था आधार बटे कर्ण, उल्टा करो सेक में तो कर्ण बटे आधार। मजा आ रहा नहीं आ रहा ना है बताना, तो हम डांस उस कर देंगे नहीं आ रहा है किसको करवाना भैया तुम जाओ नहीं चला आला कौन आगे डांस 8/2 कैसे केक काटा 17/8 तो साइन ए और सेके का मान ज्ञात करना है। ए पेपर में है तो नंबर फ्री क्या है, अगर ए पेपर में आ जाए तो नंबर कैसे ना एकदम से फ्री एकदम मक्खन रोटी में लगाओ और खा जाओ। तो भाई करना क्या है, कुछ करना देखो दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो हम निकाल दिए कॉट ए जो गुणे में गया बटे में 8/15 अब कॉट का सूत्र आधार बटे लंब, सूत्र याद ना है लंब का तो कॉट ए बराबर 8/15 तो कॉट आधार बटे लंब 8/15 बराबर क्या मान लिया बेटा ए मान लिया है, तो बीसी आधार बराबर 8 के हम नहीं मार हमसे कभी सो रहे हो आधार बराबर हमसे कभी सो रहे हो हमारे चलो आधार बराबर 8 के लंब बराबर 15 चलो कल से कोई नहीं मार ठीक है ना कोचिंग मार्क को नहीं खाए पढ़ते हैं ठीक है। आधार बराबर 8 के लंब बराबर 15 के, अब एसी नहीं पता एसी ज्ञात नहीं है, तो जब एसी नहीं ज्ञात है तो एसी निकालना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे पाइथागोरस का लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और ये कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो सबसे बड़ी भुजा के बेटा एसी था, एसी पता नहीं अभी इसको शतरंज देखना yes, वो निकाल लिए yes, ये हमको नहीं पता है, तो एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग, एबी था 15 बीसी था 8, 15 का वर्ग 225 8 का वर्ग हुआ 64, तो 225 प्लस 64 हो गया 289 के स्क्वायर रहा तो 289 के स्क्वायर, चूंकि एसी स्क्वायर एसी का वर्ग है वर्गमूल निकालो यार तो अंडर रूट में चला गया, अब 289 17 का वर्गमूल होता है तो एसी बराबर 17 के, जैसे कर्ण मिल गया यानी तीनों भुजाएं मिल गई निकाल दो यार साइन ए लंब बटे कर्ण, अब लंब का मान सॉरी हाँ लंब बटे कर्ण है तो लंब का मान कितना बेटा 15 कर्ण का मान 17 कैसे कटा 15/17 से के कर्ण बटे आधार भैया कर्ण 17 8।